चलिए, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज साल का आखिरी मैच था भारत का और इसमें भी भारत को जीत मिली। सीरीज में क्लीन स्वीप हो गया है, 3-0 से भारत जीता है। हालांकि आज श्रीलंका ने थोड़ा फंसा लिया था, 135 रनों में उन्होंने भारत को थोड़ा संघर्ष कराया, आखिरी ओवर तक मैच गया, 5 विकेट से जीत मिली है। और ये पूरा साल भारत की कामयाबी का साल, 52 मैच खेले हैं, 52 में से 37 मैच भारत ने इस साल जीते हैं, तो बड़ी कामयाबी है। हालांकि होम स्ट्रेच ज्यादा भारत का, और विराट कोहली, शिखर धवन, भुवनेश्वर, कई बड़े खिलाड़ियों के ना होने के बावजूद भारत ने आसानी से T20 सीरीज अपने नाम कर ली। मजे की बात यह है कि धोनी ने आखिरी गेंद पर चौका मारा। अब दरअसल श्रीलंका और भारत का मैच हो, वानखेड़े स्टेडियम में धोनी का वो छक्का वर्ल्ड कप फाइनल का याद आता है। मदन जी बैठे थे मेरे साथ, मैंने कहा पारी हो सकता है कि लॉन्ग ऑन पे छक्का हो जाए, लेकिन धोनी ने समझा नहीं, सेफ रहना चाहिए, चौका मिलता है चौका मार लो, भारत को जीत दिलाओ। साल घरेलू मैचेस ही खेले हुए हमने, और हमने इस साल में हमने ये जो है अपनी टीम को बिल्डअप किया है। और मेरे विचार में ये है कि ये जो जीत है, आज की जीत है, मैं समझता हूँ कि देखिए लास्ट मैच था साल का और ये जीतना भी बड़ा जरूरी था। ठीक है 135 रन हुए हैं, पर उस ये था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि कई बार जो बल्लेबाज है वो समझ लेते हैं कि हाँ ये मैच हम निकाल लेंगे, तो उसकी वजह से भी कोई ज्यादा बिग हिटिंग नहीं आया। समझ ही नहीं आया कि कहाँ जाकर मैच थोड़ी देर के लिए बीच में फंस गया था। तो दरअसल चल तो ऐसे ही रहा था कि आराम से बड़ी जीत होगी, कई गेंद रहते, कई ओवर रहते गेंद भारत जीतेगा, लेकिन आखिरी ओवर तक मैच चला गया। शायद मनीष पांडे वो बीच में थोड़ा स्लो खेले। इस साल में भारत 52 मैच खेले हैं, सारे फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, 37 जीत मिली है। 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने एक साल में 47 मैचों में 38 मैच जीते थे। तो भारत जो है वो विजय रथ बेतनादन धन चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है और अच्छा चल रहा है, मैं समझता हूँ कि और ऐसे ही चलता रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ऐसी टीम है जहां पे इतने बड़े बड़े विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी, अजय चौहान, ये खिलाड़ी हैं, तो आपके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं जीतने के। और उसके साथ साथ जो है ना बैलेंस अटैक हो चुका हुआ है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे जो पेसर हैं वो सबसे, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में आपको जो ब्रेक थ्रू मिलनी चाहिए वो बड़ी जरूरी रहती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर तभी जाकर जो स्पिनर हैं वही इफेक्टिव होते हैं ज्यादातर जाके। आपके सिलेक्टर से गैम्बल खेला बिल्कुल ठीक चला है, ठीक है आज चहल को आज आराम दिया गया, लेकिन चहल हीरो है। देखिए फिर भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो देखिए प्रेशर तो डाला, उन्होंने दोनों स्पिनर्स ने आके हमेशा गेंद अच्छी की है बिल्कुल, पर ऊपर से भी जो प्रेशर डलता है ना उससे भी मैं समझता हूँ कि ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है अगर किसी की टीम ने मैच जीतना है तो उनके जो बॉलर्स हैं वो उनका साथ निभाना बड़ा जरूरी। कई बार जो टीम है जल्दी भी आउट हो जाती है, तो फिर उसी टोटल के अंदर उसको आउट करना, ये भी जब आपके पास बॉलिंग अटैक है तो आप आउट भी कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज देख लीजिए, जब स्ट्रांग थी तो जब भी कभी उनका टोटल जो कम होता था उनके बॉलर मैच में निकाल, अब हार नहीं मानते, हार नहीं मानते किसी सिचुएशन में, हार ही नहीं मानते क्योंकि और कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी आ जाता है जो गेंद से बल्ले से आकर आपको मैच जिता देगा। हाँ कोई ना कोई तो देखिए हीरो बनता ही है, क्योंकि हर जितने भी हमारे बल्लेबाज हैं इसमें सारे बल्लेबाज तो चलते नहीं है, कोई ना कोई बड़े इनिंग जब खेल लेता है तो उसी से आप मैच जीत जाते हैं। तो ये ऐसा अगर होता रहे, कोई ना कोई खिलाड़ी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता चला जाए तो फिर ये टीम के हारने के चांसेस जो है कम होते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि टीम के इर्द गिर्द खेलना बड़ा जरूरी रहता है, ये टीम की जीत है क्योंकि बड़े नाम नहीं थे। देखिए इस मैच में भी भारत ने खिलाड़ियों को आराम दिया, बुमराह को आराम कराया, चहल को आराम कराया, क्योंकि आपको नए खिलाड़ी देखने हैं, आपको देखना है कि आपके जो युवा तेज गेंदबाज हैं उनमें क्या दम है, आपको देखना है कि क्या वॉशिंगटन सुंदर वो ऑफस्पिनर हो सकते हैं, क्योंकि भारत के पास शायद अभी नीले कपड़ों में इस फॉर्मेट में वो ऑफस्पिनर नहीं है, फिंगर स्पिनर नहीं है, तो कई चीजें ऐसे भारत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन सब को करने के बावजूद अगर आप जीत भी जाए, बड़ी जीत भी मिल जाए, और शेयर सैयद मिले हैं हमें, शेयर सैयद ने जो बहुत अच्छे 4-5 मैचों में जो आज भी उनके रन है, हाँ, टेम्परामेंट दिखाया उन्होंने, ऐसा नहीं है वो रन जब खेलते हैं तो अच्छा लगता है, यू नो जब शॉट किसी फियर से नहीं खेलते, डर से नहीं खेलते, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, खुल के खेलते हैं, हाँ खुल के खेलते हैं और उनके शॉट्स बड़े हैं उनके पास और अच्छा लगता है उनको देखते हुए, जब कट शॉट या ऑन साइड पे खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये एक जो प्लेयर है एस्टेब्लिश करेगा आने वाले समय में। और मैं तो कहता हूँ वो होना भी चाहिए,
क्योंकि ज्यादातर जो बर्डन है एक दो तीन चार पे नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई और भी ऐसा खिलाड़ी आए जो इनके मुकाबले का ही हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और मिडल ऑर्डर में आकर रन बनाए और मैच भी जिताए। देखिए हर मैच में तो चलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं जाके बाकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बड़ा जरूरी रहता है, बहुत जरूरी है। 135 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पर श्रीलंका ने, हालांकि एक वक्त तो लगा कि लंका जो है वो रन नहीं बना पाएगा, फिर वो 20 ओवर भी खेल गए, 20 ओवर में उन्होंने रन भी 135 बनाए। हालांकि विकेट भी ये टिपिकल वानखेड़े स्टेडियम का विकेट नहीं था कि आप दूर से थ्रू द लाइन शॉटें मारते रहे, गेंद हिला है थोड़ा, सीम भी किया जैसे मदन जी कह रहे थे और बाउंस भी थोड़ा था, लेकिन भारत थोड़ा सा बीच में ऐसा लग रहा था कि भटक गया है। कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट, एंड तक आप आ गए, 4 गेंदें रह गई, लेकिन जीत भारत। अब 17 में ज्यादा क्रिकेट तो आपने घर में खेली है, लगातार जीत भी मिली है, लेकिन साल जाते जाते एक अच्छी बात जो हुई है शायद भारतीय क्रिकेट में, वो है रोहित शर्मा। अब पाजी जो भी है, नीले कपड़ों में रोहित शर्मा पर सवाल कभी नहीं था, लेकिन ये कंसिस्टेंसी, ये भूख जो टेस्ट क्रिकेट में भी ट्रांसलेट होगी शायद, ये मुझे लगता है कि विराट कोहली के लिए जो इस सीरीज में नहीं भी खेले शायद सबसे बड़ा प्लस है। नहीं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, देखिए रोहित शर्मा ने टेस्ट मैच में भी रन बनाए हैं तो वो जो उनके लिए और जिस अंदाज में रहा, जिस अंदाज में बनाए हैं। देखिए वनडे क्रिकेट के तो हम अभी बाद में बात करेंगे, टेस्ट क्रिकेट में क्या होता क्या है कि जब आप रन बनाते हैं तो आप यू फील कॉन्फिडेंट, हाँ मैंने टेस्ट मैचेस में रन बनाए, और उसके बाद आप इसकी बैटिंग का निखार देखिए वनडे क्रिकेट में, और उसका जो कॉन्फिडेंस आया टेस्ट मैच का जब इन्होंने 100 बनाया और एक मिनट में 50 भी बनाए दो, उसके साथ साथ आप वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे रन बनाए कि जो कि हम भूल नहीं सकते, और ऐसी पारियां क्योंकि मैं सालों साल तक याद रहेंगी। और अच्छी बात जैसे मदन जी ने कही वो ये है कि अगर आप सीधा देखिए, आप जो भी है अब आपको 2017 की बात करनी है, लेकिन तार तो 18 में है ना, अब 18 में या 19 में जाकर भारत को बाहर खेलना है, और उसका आगाज इसी महीने हो जाएगा, 27 रात को आपकी टीम उड़ जाएगी, लेकिन साउथ अफ्रीका में पहले टेस्ट सीरीज है, और शायद रोहित शर्मा के ये रन जिस तरह से उन्होंने 200 बनाया, फिर यहाँ पर T20 में 100 बनाया, और टेस्ट मैचों में जो 3 पारियां खेली हैं, ये साफ है कि हार्दिक पांड्या जो शायद सोच रहे थे कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा साउथ अफ्रीका, उनका पत्ता तो कट गया है, क्योंकि 6 नंबर पर भारत रोहित शर्मा को खिलाएगा। कप्तानी में कद्दावर, बल्लेबाजी में बेमिसाल, रोहित ने किया हिंदुस्तान को निहाल। मेरा बात, हालांकि रवि शास्त्री हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते रहते हैं, लेकिन इस बार वजह भी, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद करते हैं। लेकिन YouTube पर जाइए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर भी लाइव चैट चल रहा है, आपके सवाल लिए जा सकते हैं, फटाफट YouTube स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।